अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही खूबसूरत प्यारे प्यारे नेक पट्टी डिज़ाइंस आइडियाज़, बहुत ही हसीन। आप अपनी शर्ट की, कुर्ता की, कुर्ती की या किसी भी तरह के डिज़ाइनर ड्रेस को बनाने का शौक़ रखती हैं कि उसकी नेक लाइन बहुत ही प्यारी सी हो, या चाइना पट्टी हो, कुर्ता पट्टी हो, वी पट्टी हो, इसके नाम भी बहुत सारे हैं नेक लाइन्स के। आपको जो अच्छी लगती है पिक्स को देखकर आप अंदाज़ा कीजिएगा कि आपके फैब्रिक पर कौन सी नेकलाइन ज़्यादा खूबसूरत लगेगी, क्योंकि फैब्रिक को भी मद्देनज़र रखा करें। कुछ ऐसे नेकलाइन होते हैं जो हर फैब्रिक पर नहीं बनते, लेकिन कुछ ऐसे फैब्रिक के नेकलाइन बना लेते हैं आप लोग, वो बाद में ख़राब हो जाते हैं तो मेहनत ज़ाया हो जाती है। लेकिन लॉन, कॉटन, लिनन और इसी तरह बेशुमार ऐसे फैब्रिक हैं जिन पर हर तरह का नेकलाइन सूट कर जाता है, तो उन्हें हम कंफर्टेबल तौर पर पहन सकते हैं इजीली, वॉशिंग के बाद भी वो नीट लगते हैं। तो इन बातों को मद्देनज़र रखा करें कि आपने अपने ड्रेस पर कौन सा नेकलाइन तैयार करवाना है, या ख़ुद करना है, या किसी एक्सपर्ट टेलर से करवाना है। बाज़ औक़ात कुछ लेडीज़ ऐसी होती हैं जो ज़्यादातर अपने ड्रेसेस टेलर मास्टर से ही तैयार करवाती हैं, जो लेडीज़ भी करती हैं घरों में, लेकिन उनका ये होता है कि शायद लेडीज़ इतने अच्छे स्टिच ना करें जितने जेंट्स करते हैं। तो सबका अपना अपना माइंड होता है, नीटनेस चाहिए स्टिचिंग के लिए। तो उसके लिए आपको जो अच्छा लगता है, आप खुद करना चाहें, किसी से भी करवाना चाहें, करवा सकते हैं। खुशी मकबूल चैनल पर आप प्लीज़ मज़ीद कटिंग स्टिचिंग की वीडियोस भी ज़रूर देखा करें, क्योंकि मैं लाती हूँ आपके लिए डिज़ाइनिंग और आइडियाज़ कि आपको अच्छे अच्छे डिज़ाइन दूँ जिन्हें आप अपने ड्रेसेस पर अप्लाई कर सकें, और अपने प्यारों में भी वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी इस तरह से हेल्प ले सकें कि हमें अपने डिज़ाइनर कुर्ते पे क्या कुछ बनाना चाहिए, स्लीव्स कैसे होने चाहिए, नेक लाइन कैसा होना चाहिए, दामन कैसा होना चाहिए, ट्राउज़र बॉटम की डिज़ाइनिंग कैसी होनी चाहिए। ये तमाम टाइप की आइडियाज़ और डिज़ाइनिंग, कटिंग, स्टिचिंग आपको हमारे एक ही चैनल खुशी मकबूल में मिलेगी। और इसके